Hello students, welcome back. Today we are going to start a new chapter of history, that is an imperial capital Vijayanagar from 14th to 16th century. In your NCERT books and in old help book or whatever is with you, usme jo is chapter ka naam hai, that is given an imperial capital Vijayanagar. But as we all know ki syllabus mein kuch changes aaye the aur un changes ke according kuch chapters ke naam bhi change hue the. Is chapter ka naam jo hai, naya naam kya hai, that is new architecture Hampi, right? So in this chapter we are going to discuss regarding the Vijayanagar Empire. Let us start the chapter. Before starting the chapter, I just want to say कि अगर आपको इन लेक्चर से रियली और गेटिंग द बेनिफिट आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अब विजयनगर, विजयनगर का मतलब क्या है? विजय एंड नगर यानी सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर, सिटी ऑफ विक्ट्री वॉज अ नेम यूज बोथ फॉर अ सिटी एंड अ किंगडम, जो कि एक सिटी के लिए और एक किंगडम दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता था. दिस किंगडम वॉज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी. ये जो किंगडम है विजयनगर, इसके बारे में पता फाउंड कब हुई है, कब एग्जिस्टेंस में आई? इन 14th सेंचुरी में. ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट सक्सेस, ग्रेटेस्ट सक्सेस का मतलब जब ये पूरा पीक पर था इसकी प्रोग्रेस, जब ये पावरफुल था, इसकी जो प्रोग्रेस पूरी पीक पर थी उस समय में, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ था, इसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या था? इट वॉज स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर कृष्णा, कृष्णा रिवर से लेकर इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ दिस पेनिनसुला. ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अगर हम इसके ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये कृष्णा रिवर से नॉर्थ में के नॉर्थ से स्टार्ट होकर उसके साउथ में, जो एक्सट्रीम साउथ में पेनिनसुला एरिया है, वहाँ तक ये फैला हुआ था. विजयनगर वॉज अटैक एंड प्लंडर्ड इन 1565. प्लंडर का मतलब होता है लूटे जाना, यानी कि इसको 1565 में विजयनगर के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए और इसमें बहुत सारी लूटपाट की गई, इसको लूटा गया. इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, और बार बार अटैक होने की वजह से, बार बार प्लंडर यानी लोग जो दूसरे राजा थे आते थे और यहाँ से लूटपाट करके चले जाते थे, उसकी वजह से 17 और 18 सेंचुरी आते आते विजयनगर पूरी तरह से समाप्त हो गया. इवन देन, अब चाहे विजयनगर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था लेकिन उसके बावजूद इट लिव्ड इन द मेमोरीज ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस रीजन ऑफ कृष्णा तुंगभद्रा दुआब. लेकिन चाहे ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया था लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर रहने वाले लोगों के दिमाग में, वहाँ पर रहने वाले लोगों की यादों में विजयनगर आज भी जीवित था. कौन से रीजन में? कृष्णा तुंगभद्रा दुआब में जो रहने वाले लोग थे, वो आज भी उनके दिमाग में विजयनगर जो था वो उसकी यादें जीवित थी. पीपल ऑफ दिस रीजन, जो कृष्णा तुंगभद्रा दुआब में रहने वाले लोग थे, वो इसे किस तरीके से याद रखे हुए थे? रिमेम्बर्ड इट एज हम्पी. किस नाम से इसको याद उन्हें याद रखते थे? हम्पी के नाम से. अब हम्पी क्या था? अ नेम डिराइव फ्रॉम द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी, जो उनकी लोकल जो गॉडेस थी, जो देवी थी जिसकी वो लोग पूजा करते थे, उसके नाम पर, वो उसका नाम क्या था? दैट वॉज पंपा देवी. तो ये उसे पंपा देवी जो गॉडेस थी, जो देवी थी, उसी के नाम से लिया गया शब्द था हम्पी. तो विजयनगर को वो किस तरीके से याद रखते थे? एज अ नेम ऑफ हम्पी. अब ये हम्पी जो थी, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया? कर्नल कॉलिन मैकेंजी एंड इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन ब्रॉट द रूइंस ऑफ हम्पी इन पब्लिक नॉलेज इन 1800 AD. अब हम्पी के बारे में भी दुनिया को, वर्ल्ड को कब और कैसे पता चला हम्पी जो था उसके बारे में, 1800 AD में कॉलिन मैकेंजी जो कि एक इंजीनियर था, और इंजीनियर होने के साथ साथ ही वॉज एन एंटीक्वेरियन, तो उसने हम्पी के जो रूइंस का मतलब जो उनके बचे खुचे अवशेष, उनको लोगों तक पहुंचाया, लोगों को दिखाया और ये बताया कि हम्पी नाम की कोई जो सिविलाइजेशन थी, जो शहर था, वो यहाँ पर पहले था. ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये कौन था? अब इसके ऊपर कंप्लीट आपका जो है 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है,
राइट। अब इसमें ये कौन था, इसने क्या काम किया, हम्पी के बारे में हमें कैसे पता चला, तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। मैकेंजी पर अलग से पूछा जा सकता है, एज वेल एज हम्पी की डिस्कवरी पर भी पूछा जा सकता है, बट आंसर विल बी सेम। हम्पी इन पब्लिक नॉलेज, ओके। ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ही कम्प्लीटेड अ सर्वे मैप ऑफ द साइट। उसने हम्पी जो साइट थी उस पूरी साइट का सर्वे किया और उसके बेस पर एक मैप तैयार किया। ही कलेक्टेड अर्ली इंफॉर्मेशन दैट वॉज बेस्ड ऑन द मेमरीज ऑफ द प्रीस्ट ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल द श्राइन ऑफ पंपा देवी। जो पंपा देवी के श्राइन यानी कि जहाँ पर उनके अवशेष दफन थे, अवशेष दबे थे, उसके ऊपर जो अवशेष के ऊपर जो श्राइन के ऊपर एक टेम्पल बनाया गया था, जैसे महात्मा बुद्ध के उसमें बनाते थे कि जहाँ पर भी महात्मा बुद्ध के श्राइन हैं उनके ऊपर स्तूपज बनाए गए, तो ऐसे ही जो पंपा देवी के जो श्राइन थे उनके ऊपर क्या बनाया गया था टेम्पल, उस टेम्पल का नाम क्या है, विरूपाक्षा टेम्पल। तो वहाँ के जो पादरी थे, वहाँ के जो प्रीस्ट थे, उनसे उनकी मेमोरीज, उनसे जो बातचीत करके उनको जो उस समय की यादें थी उसी आधार पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और हम्पी के बारे में बात की, हम्पी के बारे में लोगों को बताया। देन इट हैज़ बीन बिलीव्ड, ये माना जाता था उस समय में, उसी के आधार पर ये माना जाने लगा दैट द विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी, जो भी चीज़ें मिली थी उनके आधार पर, उन इंफॉर्मेशन के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बेस पर ये माना गया कि जो विजयनगर किंगडम है ये दो ब्रदर्स के द्वारा इसे फाउंड किया गया था। कौन कौन से दो ब्रदर्स थे, उनका नाम क्या था, देवर हरिहारा एंड बुका। और कब ये एग्जिस्टेंस में आई, कब ये फाउंड किए गए, इन 1336 सेंचुरी में, राइट। इट कैन कम एज एन वन मार्क क्वेश्चन, हु फाउंडेड द विजयनगर एंड व्हेन। इन द किंगडम पीपल स्पोक वेरियस लैंग्वेजेस एंड फॉलोड सेवरल रिलीजियस कस्टम। वहाँ पर जो लोग रहते थे, विजयनगर के लोग, अलग अलग तरह की कई तरह की भाषाएं बोलते थे और इसके अलावा बहुत सारे रिलीजियस कस्टम, जो धार्मिक उनके कस्टम्स थे उनको भी फॉलो करते थे। विजयनगर रूलर्स कम्पीटेड विद सुल्तान ऑफ डक्कन। अब विजयनगर के जो रूलर्स थे उनका मुकाबला, जो वहाँ के किंग थे उनके मुकाबला किन के साथ था, किन के साथ वो कम्पीट करते थे, सुल्तान ऑफ डक्कन ऑन इट्स नॉर्दर्न फ्रंटियर, यानी नॉर्दर्न साइड में उनका जो मुकाबला था, उनका कंपटीशन या उनकी लड़ाइयाँ अक्सर किसके साथ होती रहती थी, डक्कन के सुल्तान के साथ एंड गजापति रूलर्स ऑफ उड़ीसा। और इसके अलावा उड़ीसा के जो रूलर्स, किस नाम से जाने जाते थे वो रूलर्स, गजापति। अगेन इट कैन कम एज एन वन मार्क क्वेश्चन कि डक्कन के सुल्तान किस तरफ थे, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स में, और उड़ीसा के जो सुल्तान थे वो कौन थे, देवर नॉन एज गजापति। और टू कंट्रोल द फर्टाइल वैली एंड रिसोर्सेज अराउंड इट। अब डक्कन के सुल्तान के साथ और गजापति रूलर्स ऑफ उड़ीसा के साथ विजयनगर के रूलर्स का हमेशा मुकाबला, हमेशा आमना सामना क्यों होता था, किस वजह से इनमें लड़ाई होती थी, सिर्फ ये सभी लोग रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहते थे। कौन से रिसोर्सेज, फर्टाइल वैली, यानी वह जो वैली, आसपास का जो वैली एरिया था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते थे। दैट इज़ वाई जो विजयनगर के रूलर्स थे और डक्कन के सुल्तान एंड गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, इनके बीच में आपस में कंपटीशन रहता था, हर कोई उन एरियाज़ को, उस वैली को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। चोलास इन तमिलनाडु। अब यहाँ हम लोग नाम पढ़ रहे हैं कि उड़ीसा में कौन थे, डक्कन में कौन थे, तमिलनाडु में कौन थे, कर्नाटका में कौन थे, दीज नेम यू हैव टू लर्न, क्योंकि ये आपका वन मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चोलास इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन थे, चोलास, एंड होयसालास इन कर्नाटका वर द पावरफुल रूलर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। इस समय में, दैट टाइम हम किस समय की बात कर रहे हैं, बिटवीन 14th to 16th century, यानी 14th to 16th century के बीच में तमिलनाडु अगर एरिया में देखा जाए तो वहाँ पर चोलास और कर्नाटका में होयसालास जो थे ये पावरफुल किंग रूलर्स के रूप में सामने आए। देन बृहदेश्वरा टेम्पल, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द नेम ऑफ सम टेम्पल्स, दैट आल्सो यू हैव टू लर्न, ये भी आपका वन मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि किन्हीं भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के नाम पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट मेन जो पावरफुल रूलर्स के नाम पूछे जा सकते हैं, राइट। अब बृहदेश्वरा जो टेम्पल है, वेयर इट इज़ सिचुएटेड, इट्स सिचुएटेड इन थंजनमार, इट्स योर मैप क्वेश्चन आल्सो।
राइट। तो तंजावुर जो था वहाँ पर, ये बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है, तंजावुर में। इसके अलावा चनकेश्वर, चनकेश्वर अगेन टेम्पल है, ये कहाँ सिचुएटेड है, इन बेलूर, राइट। बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर एंड चनकेश्वर, चनकेश्वर टेम्पल इन बेलूर वर सपोर्टेड बाय द रूलिंग एलाइट्स। इन टेम्पल्स को बनाने के लिए, इन टेम्पल्स को उभारने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, वहाँ के एलाइट्स का, वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इनको। द रूलर्स ऑफ विजयनगर कॉल्ड देमसेल्व एज रायस, अपने आप को क्या कहते थे वो लोग, राय, राइट। अपने पीछे एक टाइटल लगाते थे, वो टाइटल क्या था, राय। अगेन इट्स योर वन मार्क क्वेश्चन कि विजयनगर के जो रूलर्स थे अपने किस नाम से खुद के, उनके जो टाइटल था वो क्या था, दैट वाज राय, जैसे कृष्णदेव राय, राइट। तो ये क्या है, दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ हम्पी एज वेल एज रिगार्डिंग द विजयनगर, क्लियर। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता, अब ये विजयनगर कैसे हुआ, किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, इसके ऊपर भी कंप्लीट यू कैन गेट द 3 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ भी इसमें भी 3 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, और 3 नंबर का अगर नहीं भी आएगा तो सो मैनी 1 मार्क एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम दिस पार्ट, राइट। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द किंग्स एंड ट्रेडर्स की, उस समय में जो राजा थे और जो ट्रेडर्स थे उनके बारे में अब हम बात करेंगे। वारफेयर ड्यूरिंग द पीरियड रिलाइड ऑन इफेक्चुअल कैवेलरी, कैवेलरी क्या होती है, जो सेना वगैरह होती है उनकी, उनको बोलते हैं, राइट। तो उस समय में मेनली जो वारफेयर था उस समय का वो किस पर डिपेंड करता था, इट डिपेंड्स ऑन द कैवेलरी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं दैट इज, इसको हिंदी में हम कहेंगे अश्व सेना, यानी घोड़ों, घोड़े, कैवेलरी का मतलब होता है घोड़ों की सेना, जिसमें घोड़े कितने ज़्यादा हैं। तो किसी भी राजा के उसमें जितने घोड़े होते थे, घोड़ों की सेना जितनी ज़्यादा होती थी, अश्व सेना या कैवेलरी जितनी ज़्यादा होती थी, उतना ही वो जो राजा था वो पावरफुल माना जाता था। देन इम्पोर्ट क्वालिटी हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया, वहाँ पर क्योंकि जो हॉर्सेस थे वो मेन उनके आर्मी का एक हिस्सा थे, तो इसलिए जो अच्छे से अच्छे हॉर्सेस वो कहाँ से मंगवाए जाते थे, मोस्टली फ्रॉम द अरब या फिर सेंट्रल एशिया से। देन मर्चेंट्स कम्युनिटीज वर नॉन एज कुदई चेट्टी, जो मर्चेंट कम्युनिटीज थी, मर्चेंट यानी जो व्यापारी लोग थे उनको किस नाम से जाना जाता था, देवर नॉन एज कुदई चेट्टी। अगेन वन मार्क क्वेश्चन है कि हुवर कुदई चेट्टी, राइट, या वर्स द मीनिंग ऑफ कुदई चेट्टी। तो कुदई चेट्टी कौन थे, मर्चेंट कम्युनिटीज। अब ये किस चीज़ का व्यापार करते थे, किस चीज़ का ट्रेड करते थे, दे ऑफ ट्रेडर्स ऑफ हॉर्सेस, इनको दो नाम से, या तो इनको कुदई चेट्टी कौन थे, मर्चेंट्स ऑफ हॉर्सेस या ट्रेडर्स ऑफ हॉर्सेस। 1498 पोर्टुगीज, पुर्तगाली एज न्यू ट्रेडर अप्रोच्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 1498 में पुर्तगाली यहाँ पर वेस्ट कोस्ट पर एक नए ट्रेडर्स के रूप में आए, नए व्यापारी बनकर आए। Try to set up trading and military centers, यहाँ आकर पुर्तगाली, यानी जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने यहाँ आकर अपना ट्रेडिंग और मिल्ट्री सेंटर स्टार्ट किया, सेटअप किया, करने की कोशिश की। एंड दे हैड एडवांस्ड मिल्ट्री टेक्नोलॉजी इन यूज़ ऑफ मस्केट, यानी जो बंदूक, जो मस्केट्स जो वो यूज़ करते थे उनमें उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, मिल्ट्री टेक्नोलॉजी थी। किंगडम वॉज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल स्पाइसिस एंड स्टोन्स, जो विजयनगर राजा था, किंगडम था, ये किसके लिए फेमस था, किस किन किन चीज़ों के लिए मशहूर था, फॉर द टेक्सटाइल्स स्पाइसिस यानी मसालों के लिए, एंड स्टोन, स्टोन्स यहाँ क्या मतलब है, रत्न, राइट, उनके लिए ये फेमस था। द रिवेन्यू डिराइव फ्रॉम द ट्रेडर्स, अब इन ट्रेडर्स से जो रिवेन्यू लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रॉस्पर्टी ऑफ द किंगडम, राज्य के लिए सबसे, राज्य की प्रॉस्पर्टी, राज्य के जो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स जो था वो क्या था, इन ट्रेडर्स से लिया गया रिवेन्यू।
राइट तो अगेन किंग्स एंड ट्रेडर्स पर फिर से आपका अलग से 3 मार्क्स क्वेश्चन भी बन सकता है एज वेल एज सो मैनी 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी लाइक पोर्टुगीज व्हेन दे केम टू इंडिया एक्सेप्ट दैट हुवर कुद्रई चेटी एक्सेप्ट किस कौन सा अपने टाइटल कौन सा यूज़ करते थे विच क्वालिटी फ्रॉम वेयर द हॉर्सेज वर इम्पोर्टेड कहाँ से इम्पोर्ट किए जाते थे क्लियर एज वेल एज ये किस किन किन चीज़ों के लिए फेमस था ये आपका आ सकता है वेयर द पोर्टुगीज सेटल्ड देमसेल्स दिस वन आल्सो इज अनदर व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम राइट सो मेनी 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम दिस पार्ट एक्सेप्ट दैट कंप्लीट विजयनगर पर आपका 6 मार्क्स क्वेश्चन आएगा विच वी विल डिस्कस नेक्स्ट हम्पी पे आ सकता है डिस्कवरी ऑफ हम्पी पे भी आपका अलग से क्वेश्चन आ सकता है राइट सो दिस इज हियर व्हाट वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ विजयनगर एज वेल एज वी डिस्कस रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ हम्पी और वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द मेन रूलर्स किंग्स एंड ट्रेडर्स दिस इज अबाउट टुडे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर होपफुली इट्स क्लियर टू यू अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन गो टू द कॉमेंट सेक्शन एंड राइट डाउन यूर प्रॉब्लम्स